पता है आज हमारे घर में कौन आने वाला है? आज हमारे घर आने वाला है नई दुल्हन, यानी कि मेरी देवरानी। तो एक्चुअली खुद से शादी की थी तो इसलिए और कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ जो आप जान सके या हम जा सके, हम थोड़ा सा एंजॉय कर सके। एक बार आप तो मिस गया तुम्हारे भाई की वजह से, सच में। अरे उसको अपना प्यार मिला, इससे बढ़िया क्या है। जो भी है, फंक्शन हुआ कि नहीं, वो दोनों खुश रहे, ये आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वो लोग अभी आ रहे हैं, वो लोग नहीं, इनके भाई कहीं नहीं जाना चाहते तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। मासी, मेरी मासी सास और उनके बहू यानी कि मैं देवरानी, ये दोनों आ रहे हैं। पर पता है अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे हम जा रहे हैं कहीं पे बाजार करने, कुछ करने, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अचानक से दही हुआ है, कल रात ही बोला था। पर हमारा ये वैक्सीन हमने बुक की थी एक हफ्ते पहले, तभी वैक्सीन लेने जा रहे हैं। ना जाने कितना क्यों होगा वहाँ पे, कब आएंगे कुछ पता नहीं। भगवान करेगा जल्दी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा पता नहीं। पर वो लोग आ रहे हैं, मासी को सारे चीजें समझा के आई हूँ कि मासी वो लोग आए तो जल्दी से कुछ अच्छा सा कुछ ब्रेकफास्ट बना के खिलाना। हम आज नहीं पर हम शाम को या तो कल सुबह हम जाके अच्छा सा कुछ बाजार करके ले आएंगे, फिर सब मिलके मस्त से खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। सही बात है। मासी को और मेरा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आज नाश्ते में क्या बना है पता है? इडली। मासी आज खुद अपने हाथों से इडली बनाया। देखो वाओ, मैं गई थी वैक्सीन लेने और मासी देखो क्या बना के रखा है। मासी दो दिन पहले ही राइस और दाल दो भिगो के रखे गए थे कि तुम इसे टच भी मत करना, मैं आके फिर बनाऊंगी। तो मैंने टच भी नहीं किया उसे। कोकोनट चटनी और इडली आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और मेरा जो मासी सास है जो कि आने वाले, अच्छा मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, मासी वर्ड से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मासी सास, मासी एंड तू, तू यानी के मेरे मासी। वाओ, इतना अच्छा बना है। অস্কার তোর জলে কোনো কাজ করা যাবে না। দোস্ত দোস্ত, ও দূত বেবি, मासी को आते हुए लंच टाइम हो चुका है। मासी इधर बैठो ना, लंच टाइम हो चुका है तो अभी हम सब एक साथ मिलके खाना खा लेंगे। और मिथुन का भी जाना है बैरकपुर, जाना ही पड़ेगा आज। थोड़ा सा अगर घर में रहते तो अच्छा होता पर वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए आज जाना ही पड़ेगा। मासी उसे उस रूम में ले जाके खाना खिलाने जाते थे तो एक रूम में अगर बैठा रहेगा तो यहाँ पे बदमाशी थोड़ा कम करेगा। वो देखो यहाँ पे ही खाना खाना है क्योंकि हम सबके साथ उसे यहाँ पे ही खाना खाना है। एकदम इंसान की तरह खुशी दुख, कोई आए तो बहुत ज्यादा उत्पटंग हरकत, हर एक चीज समझता है जो घर में एक बच्चा रहने से करता है, हर एक चीज करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लंच के बाद आज नेक्स्ट डे सुबह आपके साथ में, मतलब एटलीस्ट कैमरा को होल्ड कर पा रही हूँ। कल इतना तबीयत खराब हो गया था, इतना बुखार था,
फर्स्ट वैक्सीन के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ था, पर सेकंड वैक्सीन इतना दर्दनाक होगा, पता नहीं। हाथ पे यहाँ पे दिया गया, हाथ इस साइड पूरा दर्द है, और उसके साथ इतना बुखार आया था, इतना तबीयत खराब था, अभी भी है, अभी भी वो वीकनेस गया नहीं। फिर मैंने सोचा एक चीज़ ज़्यादा दूरा छोड़ना ठीक बात नहीं है। पेट में यहाँ से लेके ये से लेके बिल्कुल एब्डोमेन तक इतना खींच के दर्द है, उतना ही टेम्परेचर हाई था, और वही बदन दर्द इतना ज़्यादा था। इतना तबीयत खराब मेरा कभी नहीं हुआ। ये बुखार आता है तभी तो तबीयत खराब नहीं होता है, पर एक वैक्सीन की वजह से इतना तबीयत खराब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। और ऊपर से किस्मत देखो कि मासी आए हैं मेरे देवरानी, जो कि पहली बार यहाँ पे आए, उनके लिए कुछ करूँ तो तबीयत इतना खराब हो गया। मासी उठे चे तो हमारे जो काम करते हैं वो मासी को आने में तो अभी टाइम है, तो मासी लोग अगर उठ जाए तो मैं जाके थोड़ा सा चाय पे बना दूं। हाँ अरे नहीं बना पाओगे? नहीं, कल से तुम जैसे पड़ी हुई हो, मैं कभी नहीं देखा आज तक। कल मैं पूरी रात यहाँ पे इंक्लाइंड होके सोई हूँ, क्योंकि बेड में इंक्लाइंड होके सोया रहना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे मैं सोई हूँ पूरी रात, और नीचे और बिन बैग को पीलो बना के मिठून हम दोनों यहाँ पे सोए हुए थे, और वो सब ऊपर। अभी इतना तबीयत मतलब पहले से ठीक ठाक है, पर वो वाला वो वीकनेस और यहाँ पे दर्द वाला चीज अभी तक थोड़ा बहुत है। आज कोई डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा? हाँ, डॉक्टर के कल रात ही बुक किया था, आज जाएंगे डॉक्टर के पास। आप लोग नहीं जाएंगे कल? जहाँ पे वैक्सीन दिया था वहाँ पे जाएंगे। जब मासी आई थी ना तो मैंने सोचा था कि आज शाम को हम सब मिलके एक साथ इवनिंग टी पियेंगे, तो किस्मत में नहीं था, मासी के साथ इवनिंग टी कुछ नहीं पी पाई, मैं पूरी लेटी हुई थी। तो अभी सुबह सब एक साथ मिलके चाय पियेंगे, एंड अगर भगवान करे तो आज शाम बहुत अच्छे से हम स्पेंड करेंगे, क्योंकि कल मासी चले जा रहे हैं। ये दो कप मुझे कप जैसे कि बहुत पसंद है, मासी ने बोला है रीना को, तो रीना आने के टाइम में ये दो कप मेरे लिए एक मिशन के लिए लाए, कितना क्यूट है और कितना खूबसूरत। और जैसे कि मैं ब्लैक टी पीती हूँ तो ब्लैक टी बहुत अच्छा लगता है ना कांच के कप में देखने में। घर में कोई औरत अगर किचन का देखभाल एक दिन के लिए अगर ना कर पाए ना, तो किचन और देखने के लायक नहीं बचता। मैं कल वो दोपहर के बाद आज सुबह ये किचन में आई, पूरा किचन मेसों पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे कुछ झूठा कुछ खाना यहाँ पे पड़ा हुआ था, वहां पे कुछ पड़ा हुआ था, पर डिनर टाइम में मिथुन अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, और मैं कुछ बनाने वाली थी आज डिनर में, इसलिए मासी भी कुछ बना के नहीं गए थे। तो चिकन था और बाहर से दाल मंगवा लिया था मिथुन ने, तो वो सब मिलके खाए, पर दाल यहाँ पे थोड़ा गिरा हुआ था तो सर्व करते वक्त मिथुन से गिर गया, तो मिथुन जितना हो सके सारी चीजें सिंक पे रखे गए, पर वो सब नहीं क्लीन कर पाए। तो इसलिए ये सीख तो आज मुझे बहुत अच्छे से मिला कि एक औरत अगर अपने किचन में ना आ पाए ना, वो किचन कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। नीचे बैठ के चाय पीने में हमें ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए आज कैफे पे नहीं बैठे, पर बिस्किट तो दो चार दिन से एक ही टाइप के बिस्किट, कोई नया बिस्किट का पैकेट। हां हां हां, मैं लेके आता हूं, मैं लेके आता हूँ, मैं रखा है छुपा के नहीं तुम लोगों से भी छुपा के, क्योंकि वो मीठा बिस्किट है। रीना का गिफ्ट क्या हुआ? चेकअप में हम दोनों चाहते थे कि वो मशीन, ये 50-50 ये गुगली है, गुगली कौन सा बिस्किट है? अच्छा अच्छा वो वाला जिसमें थोड़ा सा मसाला, और ये बिल्कुल स्वीट। मासी चिल्लाना मत, मासी आए हैं। तो चलो अभी मासी भी आ गए, अभी मासी भी मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देंगी, और फिर ब्रेकफास्ट बनानी है। तो
মাসি আজকে তাহলে লুচি খাবে না বলছো? মাসি কোনো তোর সাথে গ্যাস কা প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি এক এজ কে বাদ না ও গ্যাস অ্যাসিডিটি প্রবলেম হতে রেতে তো মানে সোচা তো কে হোয়াইট আলু কা সবজি আর উসকে সাথ পুরি ইয়া তো ডাল পুরি এসে কুছ পর বল রহা হ্যায় কি নাহি নেই রোটি বান লো। ओके चलिए गाइस फिर आज इस वीडियो को हम रिपेन करते हैं। तो अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास, उसके बाद आके फिर थोड़ा अच्छा कुछ कुकिंग करना है, फिर कल मासी चले जाएंगे। फिर मौका कब मिलेगा, कब मासी फिर आएंगे, कब हम वापस जाएंगे। आज का जो लाइफ है हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए हर कोई हर किसी के घर बात बात पर चले नहीं जा पाते। वो अपना एक शेड्यूल करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से अपने काम को पेंडिंग रख के फिर उसके बाद जाते हैं। तो जितना टाइम मिलता है वो भी अगर ठीक ठाक से ना मिले ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम पेंट करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।